के समर्थन में सत्याग्रह देखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार सत्याग्रह के जरिए यहां पर केंद्र सरकार पर हमलावर है। बड़ी खबर देखिए, आपको बता रहे राहुल गांधी के समर्थन में सत्याग्रह। सीएम गहलोत देखिए पहुंचे हुए हैं दिल्ली और राहुल गांधी के समर्थन में सत्याग्रह देखिए आज दिल्ली में भी किया जा रहा है, जहां पर सीएम गहलोत पहुंचे हुए हैं, शामिल हुए हैं। सीएम गहलोत दिल्ली में सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी खबर देखिए आपको बता रहे, एक तरफ यहां पर राजस्थान में भी यहां पर सत्याग्रह की तस्वीर सामने रखी जा रही, वहीं सत्याग्रह में तमाम नेता कार्यकर्ता जो है वो दिल्ली में भी मौजूद है। सीएम गहलोत भी यहां पर सत्याग्रह को समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त की देखिए बड़ी खबर बता रहे हैं, राहुल गांधी के समर्थन में हो रहा दिल्ली में भी सत्याग्रह, जहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं दिल्ली। तो राहुल गांधी के समर्थन में यहां पर तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के यहां पर देखिए मौजूद हो रहे हैं दिल्ली में। यहां पर मंच पर सत्याग्रह के यहां पर पहुंचे हुए हैं सीएम अशोक गहलोत। सत्याग्रह में तमाम नेता कार्यकर्ता यहां पर मौजूद बताए जा रहे हैं। शाम 5 बजे तक चलेगा देशव्यापी ये प्रदर्शन। शाम 5 बजे तक यहां पर सत्याग्रह को यहां पर कांग्रेस ही आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी के समर्थन में हो रहा ये सत्याग्रह। तो तस्वीर देखिए आपको लगातार दिखा रहे हैं राहुल गांधी के समर्थन में सत्याग्रह जहां दिल्ली में जारी, वहीं आज पूरे देश भर में देशव्यापी ये प्रदर्शन जारी है। शाम 5 बजे तक जारी रहेगा सत्याग्रह। यहां पर राहुल गांधी के समर्थन में लगातार कांग्रेसी जो है वो हमलावर दिख रहे हैं। अपने बयानों के जरिए भी यहां पर कांग्रेस लगातार तीखे सवाल पूछ रही है केंद्र की सरकार से। और अब यहां पर जगह जगह प्रदेश भर में जहां पर कांग्रेस की देखिए सरकार है, वहां पर भी बड़े स्तर पर कांग्रेसी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पूरे देशव्यापी इस सत्याग्रह को आज शाम 5 बजे तक किया जाएगा। दिल्ली में भी यहां पर मंच पर तमाम बड़े चेहरे पहुंचे हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत भी देखिए राहुल गांधी के समर्थन में सत्याग्रह को समर्थन देने के लिए मौजूद है। दिल्ली में ही पहुंचे हुए हैं सीएम अशोक गहलोत। तो वहीं एक तरफ जयपुर में भी देखिए प्रदर्शन जारी है, सत्याग्रह यहां पर किया जा रहा। वहीं सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे हुए हैं, दिल्ली में सत्याग्रह में वो आज शामिल हो रहे हैं। तो देशव्यापी ये प्रदर्शन शाम 5 बजे तक चलने वाला है राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए। तमाम कांग्रेसी नेता मंत्री पहुंच रहे हैं एक एक करके। तो राहुल गांधी की देखिए सदस्यता रद्द हुई, राहुल गांधी को 2 साल की सजा, हालांकि वो अभी बेल पर है, लेकिन ये 1 महीने राहुल गांधी आगे किस तरीके से देखिए कदम उठाते हैं इस पूरे मामले को लेकर, उनकी सदस्यता जाने को लेकर, उन पर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तमाम बड़े लीडर्स ने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि जो गलतियां हैं उनको सुधारा भी जा सकता है। इसी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगला मूवमेंट जो है वो राहुल गांधी का रहेगा इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल देखिए अभी जो कांग्रेसी हैं वो राहुल गांधी के साथ किए गए इस व्यवहार को लेकर काफ़ी नाराज़ दिखे। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने के लिए, उसको लेकर काफ़ी नाराजगी भी जाहिर जताई। और इसी के साथ ये भी कहा कि राहुल गांधी देश के मुद्दों को उठाते हैं, सत्ता को बेनकाब करें, इससे यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, राहुल गांधी को चुप कराने का काम किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि मेरा भाई डरा नहीं है, डरेगा नहीं, ना ही चुप होगा। अडानी के मामले पर हमने सवाल किया, इसलिए ऐसा किया गया है, नोटिफिकेशन ऐसा जारी किया गया है। लेकिन आप देखिए कांग्रेसी जो है वो एक होकर लगातार हमला बोलते केंद्र की सरकार पर। अब राहुल गांधी के समर्थन में आज हो रहा ये सत्याग्रह का कार्यक्रम, तो देशव्यापी सत्याग्रह का कार्यक्रम है। पूरे देश भर में आज जगह जगह कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसे आयोजित किया जा रहा है। वहीं इसे सफल बनाने के लिए कांग्रेसी एकजुट अब एक मंच पर नजर आ रहे हैं। तो अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं दिल्ली आज, जहां पर सत्याग्रह के कार्यक्रम में देखिए शामिल होंगे। तमाम विपक्षी पार्टियों का भी देखिए समर्थन, हालांकि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद देखिए कांग्रेस पार्टी को मिला, भले ही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को समर्थन ना दिया हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी से के साथ अखिलेश यादव की दूरी हो, अब ये वो चेहरे हैं जो समर्थन दे रहे हैं राहुल गांधी के इस पूरे मामले को लेकर। बयान दिए गए इनकी तरफ से यहाँ पर, जो सरकार ने किया उसे गलत बताया, कहा कि इस तरीके से तानाशाही की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन इसका जवाब जनता देगी। राहुल गांधी के समर्थन में आज सत्याग्रह किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी भी अब देखिए लगातार हमलावर है। तो बड़ी खबर ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। तो प्रदेश कांग्रेस लगातार हमलावर दिख रही है। अब यहां पर केंद्र की सरकार को घेरने के लिए दिल्ली में भी बड़े स्तर पर बड़े चेहरे जो एक साथ एक मंच पर मौजूद है। आज सत्याग्रह में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता मौजूद है। सीएम गहलोत का सत्याग्रह को समर्थन।
हमारे सहयोगी भी देखिए वहां पर पहुंचे हुए हैं जयपुर से, देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत करने की जैसे कोशिश करेंगे, जैसे लोग जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं, जो मंत्री पहुंचे उनसे जैसे बातचीत करेंगे वो भी आपको सुनाएंगे। तो क्या यहां पर अभी तक प्लान है कांग्रेस पार्टी का, किस तरीके से आगे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि मंडल स्तर पर जिला स्तर पर भी एक दो दिन में कांग्रेस इसे और बड़ा करेगी। राहुल गांधी के समर्थन को अब जो आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं का साथ मिल रहा है वो आगे भी जारी रहेगा और इसी के लिए यहाँ पर आगे भी तैयारी की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पहले देखिए अशोक गहलोत ने यहाँ पर बैठक की थी, बैठक में यहाँ पर रणनीति बनाई गई और आज यहाँ पर देखिए तस्वीर सत्याग्रह के सामने, आज का दिन देखिए तय किया गया था कि बड़ा ये प्रदर्शन होगा, बड़ी तस्वीर होगी। ऐसे में देखिए सोमवार के दिन भी कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी जो है देशव्यापी बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगी, तो कल की तस्वीर भी देखने वाली होगी कि कैसे सामने आती। फिलहाल आज तस्वीर जो है वो आपको जयपुर से आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी रहमतुल्ला जुड़ चुके हैं, सीधे वहीं पर मौजूद है जहां पर ये सत्याग्रह का कार्यक्रम जारी। सीधे आपके पास आते रहमतुल्ला, आप वहां पर पहुंच चुके हैं, सबसे पहले तो वहां पर मौजूद कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जरा उनसे बातचीत कीजिए, क्या कह रहे हैं वो? खंडेलवाल, अमित शाह जी, महापौर जो मौजूद है, तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद है। हमारे प्रश्न को लेकर करेंगे, किस प्रकार के जवाब से करके आप क्या संदेश दे रहे हैं देश का खत्म कर आप
सरपुरुष की तमन्ना अब हमारे देश में है। जब तक हर आंदोलन पे नहीं आएगा सत्याग्रह भी नहीं आएगा और देश को यहाँ तो कोर्ट का फैसला आया पढ़ाने हाथ में आए नहीं तो कभी विलंबित कर दो।
बिल्कुल मंत्री प्रताप सिंह सुरजेवाल साहब को सब कहा है की राहुल गांधी से डर रहे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे आप सत्याग्रह को लेकर? ठीक है रहमत उल्ला, आप लगातार लोगों से बातचीत करेगा फिलहाल बहुत और तमाम राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम पहुंच चुके हैं। और अगर जयपुर की बात करें, जयपुर के सीधे जो है यहाँ पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सीताराम अग्रवाल और ललितूनवाल, राम सिकसवा, तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। सत्याग्रह किया जाएगा, किया जा रहा है, शाम को 5 बजे तक जो है ये सत्याग्रह चलेगा। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि आज कांग्रेस जो है शांतिपूर्वक तरीके से एक प्रकार का केंद्र की सरकार, केंद्र के जो खिलाफ जो है विरोध कर रही है। जिस प्रकार से पीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि आने वाले दिनों में ये लगातार और आगे बढ़ेगा, जब तक केंद्र सरकार अपना जो फैसला है वो वापस नहीं लेती है तब तक ये जारी रहेगा। इसमें देखने वाली ये बात होगी कि इसमें आगे संभाग स्तर पर इन्होंने टास्क फोर्स बनाई है, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर आगे कार्यक्रम किए जाएंगे। आज की बात करें तो आज लगातार जो है दिल्ली की बात करें, जयपुर की बात करें, तमाम अन्य प्रदेशों की बात करें, सब जगह ये सत्याग्रह चल रहा है कांग्रेस का, अलग अलग जगहों पर चल रहा है, कांग्रेस के तमाम लीडर मौजूद है और लगातार शांतिपूर्वक तरीके से ये विरोध कर रही है। कितने घंटे ये रहमतुल्ला चलने वाला है सत्याग्रह कांग्रेसियों का? देखिए सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है और ये शाम को 5 बजे तक चलेगा, पूरे देश भर में एक ही वक्त से शुरू हुआ है और एक ही वक्त पर शाम को 5 बजे तक खत्म होगा। यानी तकरीबन काफी यानी कि तकरीबन तमाम सैकड़ों की तादाद में अलग अलग जगहों में लोग जुटे हुए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इसमें देखने वाली बात यह होगी कि अब आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस कितना इसको मजबूत होती है और कितना कुछ ज्यादा कर पाती है, विरोध ज्यादा करेगी या कम करेगी, कितना एकजुट हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। कितना क्या विरोध से केंद्र सरकार पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हालांकि विपक्ष की पार्टियां भी साथ आने के लिए तैयार है, 27 मार्च को जो प्रदर्शन दिल्ली में होना था वो भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आगे आने वाले वक्त में जो है क्या कुछ संभावना, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से विपक्षी पार्टियां भी समर्थन में आ गई है, बसपा सपा की बात करें, चाहे आप पार्टी की बात करें, चाहे तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली पार्टी की बात करें, तमाम जो पार्टियां आगे आकर कहीं ना कांग्रेस का राहुल गांधी का उन्होंने समर्थन दिया है। ठीक है, देखिए राहुल गांधी के समर्थन के लिए विपक्षी दल भी यहाँ पर अब दिख रहे हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी कि इस मुद्दे को लेकर वो सड़कों पर एक साथ एकजुट होकर उतरे। लेकिन आज जो ये सत्याग्रह की तस्वीर सामने रखी जा रही है रहमतुल्ला, कैसे आम जनता भी जुड़ रही है? देखिए फिलहाल आम जनता तो नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के जो वार्ड स्तर के जो कार्यकर्ता है वो पहुंच चुके हैं, आम लोगों उसमें कुछ आम लोग भी शामिल है, लेकिन फिलहाल कार्यकर्ता के रूप में सभी आज जो ये प्रदर्शन है ये कार्यकर्ता के रूप प्रदर्शन है। आने वाले वक्त में जैसे कल से संभाग स्तर पर या परसों से संभाग स्तर जिला स्तर पर होगा, उसके बाद में क्या कुछ कांग्रेस आगे स्टैंड लेना चाहेगी ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो है कांग्रेस की तरफ से सत्याग्रह किया जा रहा है। ठीक है रहमतुल्ला, आप यहाँ पर देखिए अभी कार्यकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, सीधी तस्वीरें भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दर्शकों को। ऐसे में यहाँ पर अभी कौन कौन मंत्री भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई मंत्री भी यहाँ पर इस सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं आज। देखिए फिलहाल पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री जो प्रताप सिंह खाचरियावास वो मौजूद है, मंत्री महेश जोशी भी मौजूद है, उनके अलावा ज्योति खंडेलवाल मौजूद है जो जयपुर के पूर्व सांसद प्रत्याशी है, उनके अलावा
जो कांग्रेस के नेता विधायक विधानसभा के उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी भी मौजूद, राम से कसवाल, ललितूनवाल, जसवंत गुर्जर, तमाम कांग्रेस के लीडर है, कार्यकर्ता है, वो मौजूद है तमाम। अभी फिलहाल हालांकि ज्यादा तो कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं हुए हैं जयपुर में, फिलहाल अभी इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे, शाम को 5 बजे तक ये चलेगा, तो उसी हिसाब से आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल 5 बजे तक ये मजमा सत्याग्रह का रहेगा, यानी कि सत्य की राह पर चलने वाला, सत्य के माध्यम से आग्रह करने वाला ये सत्याग्रह है, इसमें ये शांतिपूर्वक तरीके से जो है विरोध किया जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या आपकी किसी से बातचीत हुई, किसी कांग्रेसी से, किसी नेता से, किसी मंत्री से, किसी भी वहां पर कार्यकर्ता से, क्या कह रहे हैं वो? देखिए कार्यकर्ता से बातचीत, देखिए महापौर यहां पहुंच चुके हैं मुनीश गुर्जर और तमाम, और कांग्रेस के नेता भजन लाल जाटव, मंत्री भी मौजूद है, महेश जोशी मौजूद है, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से इंडिया न्यूज की बातचीत हुई, प्रताप सिंह खाजरेवाल से बातचीत हुई, उन्होंने सीधी सी बात एक ही कही कि हमारा सत्य की माध्यम से, सच्चाई के माध्यम से हम एक आग्रह कर रहे हैं, विरोध हम जो कर रहे हैं, आने वाले वक्त में हम और ज्यादा विरोध करेंगे, राहुल गांधी की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, चाहे मेरी सदस्यता रद्द करे या मुझे जेल में डाले, कुछ भी करे, लेकिन मैं, यानी वो अपनी बात पर अभी भी स्टैंड है, अभी भी अपनी बात पर कायम है राहुल गांधी। ठीक है, और देखिए रहमतुल्ला यहाँ पर, क्योंकि आज ये सत्याग्रह है, कांग्रेस पहले से देखिए राहुल गांधी को लेकर समर्थन में है और पहले से रणनीति बनाई जा रही है, सत्याग्रह के बाद क्या आगे की भी तैयारी रहेगी, आगे की भी यहाँ पर तस्वीरें ऐसी सामने आएंगी क्या जयपुर से? बिल्कुल, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस प्रकार से कहा, उन्होंने बताया कि संभाग स्तर पर, परसों से संभाग स्तर पर यही सत्याग्रह होगा, विरोध किया जाएगा, उसके बाद में जिला स्तर पर भी सत्याग्रह होगा, विरोध किया जाएगा, क्या कुछ आगे इस तरह से रहने की संभावना, वो तो जब कार्यक्रम वो आयोजित होगा तब जो तस्वीरें सामने आएगी, लेकिन फिलहाल जो है आगे तैयारियां की जा रही है, जब तक ऐसा ही लग रहा है कि जब तक अगर केंद्र सरकार अपना स्टैंड जो वापस नहीं लेती, अपना फैसला वापस नहीं लेती है, जो उनकी सदस्यता रद्द की है, तब तक ये शायद लगातार कांग्रेस का विरोध है वो जारी रहेगा, लेकिन लग रहा है इस बार जो विरोध प्रदर्शन जो होगा वो आक्रोशित उग्र नहीं लग रहा, शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी विचारधारा के तरीके से ये जो प्रदर्शन विरोध जो है किया जा रहा है। ठीक है, और शायद तभी इसको नाम रहमतुल्ला सत्याग्रह दिया गया है, शांतिपूर्वक यहाँ पर प्रदर्शन ये जिसकी तस्वीर कांग्रेसी रख रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर जयपुर में कितनी जगहों पर इस तरीके से तस्वीरें सामने आ सकती है अभी? और देखिए जयपुर की बात करें, जयपुर में सिर्फ एक जगह जिला कलेक्ट्रेट का जो सर्किल है वहां पर जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, तो ये जिला कलेक्टर सर्किल पर एक जगह की तस्वीर, क्यों आज जो प्रदर्शन है वो जिला मुख्यालयों पर और प्रदेश मुख्यालयों पर है, ये प्रदेश मुख्यालय है राजधानी जयपुर का मुख्यालय, इसमें जिला शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है, वहीं सभी जिला स्तर पर, चाहे बाड़मेर जिले की बात करें तो बाड़मेर जिले में जिला अध्यक्ष फतेह खान की तरफ से किया जा रहा है, सभी जिला अध्यक्षों की तरफ से ये आज प्रदर्शन किया जा रहा है सत्याग्रह के रूप में, जो विरोध किया जा रहा है, केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है कांग्रेस, एकजुट आज होने की, यानी एकजुट नजर आ रही है, हालांकि सचिन पायलट, सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधा, वो राजघाट दिल्ली में सत्याग्रह में शामिल हुए हैं, सीएम अशोक गहलोत अब कुछ ही क्षणों में जो है दिल्ली पहुंचने वाले हैं, दिल्ली में सीधे जो पहुंचेंगे दिल्ली और उस कार्यक्रम में सत्याग्रह में शामिल होंगे, सीधा सी बात है गांधीवादी तरीके से ये जो है आज जो विरोध किया जा रहा है। ठीक है रहमतुल्ला, अभी यहाँ पर आपने जैसा कि बताया कि सीएम गहलोत भी दिल्ली में पहुंच रहे, सत्याग्रह के कार्यक्रम में वो शामिल भी होंगे, ऐसे में यहाँ पर देखिए बड़े बड़े पोस्टर जो होर्डिंग्स लगे इसमें राहुल गांधी की एक बड़ी सी तस्वीर यहाँ पर छपी है, तो क्या सिर्फ राहुल गांधी पर ही फोकस रहेगा सत्याग्रह में या फिर और मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर कांग्रेस जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेगी केंद्र की? देखिए सीधी सी बात है, राहुल गांधी के समर्थन में, राहुल गांधी के फेस पर यह सत्याग्रह किया जा रहा, राहुल गांधी को लेकर के, राहुल गांधी के समर्थन में, साथ ही जेपीसी की मांग कर रहे हैं, और दूसरी बात, प्रताप सिंह खाचरेवास ने एक बयान में भी इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जेपीसी की मांग है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेपीसी की करवाई जाए, तो अब जिनको जेपीसी करवाई जाने पड़ेगी, यानी जुडिशरी के रूप में ये इनके कमेटी बनेगी और कमेटी बनानी पड़ेगी इनको केंद्र सरकार को, उसके आगे आने वाले समय में भी ये जो जेपीसी की मांग है, मामला मुख्य रूप से तो अडानी का मामले से ही बात शुरुआत हुई है, अडानी के, अडानी और मोदी को मित्र बताया है राहुल गांधी ने, तो उसी मामले की शुरुआत हुई है, तो उसी को लेकर के जो सत्याग्रह किया जाए राहुल गांधी के समर्थन में भी है और अडानी मामले में,
जो अडानी जो मामला है उसको लेकर का विरोध भी है। तो जिस प्रकार से जयपुर में जो ये सत्याग्रह किया जा रहा है, इसमें एक तस्वीर पीछे लगी हुई है, उसमें साफ लिखा हुआ सत्याग्रह अडानी माँ घोटाले पर सत्य की आवाज को दबाने के लिए राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित भाजपाई षड्यंत्र के खिलाफ ये सत्याग्रह किया जा रहा है। तो सीधे सीधी बात है, निशाना सीधा गौतम जो है अडानी पर है। ऐसे में सीबीसी जो जब ये मामला जो शुरू हुआ है वो अडानी मामले से शुरू हुआ है और इसी मामले को लेकर के ही ये सत्याग्रह किया जा रहा है। ठीक है रहमतुल्ला। और देखिए सत्याग्रह के जरिए यहाँ पर कांग्रेस अपनी ताकत अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखा रही है। इसके साथ यहाँ पर देखिए बताने की कोशिश होगी कि यहाँ पर राहुल गांधी के मसले को लेकर कांग्रेस जो है वो चुप नहीं रहेगी। ऐसे में जब ये तस्वीर सामने रखी जा रही तो विपक्ष देखिए बार बार, क्योंकि पहले भी से कई आरोप लग चुके हैं कि अगर कांग्रेसी गांधी परिवार से कोई मुसीबत में घिरता है तो सभी सड़कों पर आ जाते हैं, जनता के मुद्दों पर कोई नहीं आता। तो क्या विपक्ष की तरफ से भी कुछ कहा गया अभी तक इस पूरे मामले पर सत्याग्रह को लेकर? देखिए फिलहाल जिस तरह सत्याग्रह को लेकर के विपक्ष की तरफ से आगे अन्य पार्टियों की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। विपक्ष की पार्टियां वो राहुल गांधी के समर्थन में उन्होंने ट्वीट सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, लेकिन फिलहाल जो अब ये दो मामले साथ साथ आ गए, अडानी मामला और राहुल गांधी के समर्थन, दो मामले एक साथ हो गए। पहले अडानी मामला था, अडानी मामले को लेकर के राहुल गांधी ने अपनी आवाज संसद में उठाई थी। राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनको संसद में बोलने नहीं दिया गया, उसके बाद में उनकी आवाज को है वो म्यूट कर दिया गया। लोकसभा जो स्पीकर है उनको सामने दो बार पत्र भी लिखे लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया गया। राहुल गांधी ये भी आरोप लगाए कि लोकसभा स्पीकर हो चाहे ज्यूडिशरी हो या कुछ भी हो, सब जो है केंद्र सरकार उनको दबा रही है, उनको आवाज जो है बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में अब अडानी मामला के साथ साथ अभी राहुल गांधी का समर्थन ये भी पूरे देश में जो छा चुका है, पूरे देश में अब आवाज जो है कांग्रेस उठाने की प्रयास कर रही है। हालांकि जब राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी तब विपक्षी पार्टियों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपना समर्थन देना शुरू किया है। आप पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की बात करें, माया ममता बनर्जी की बात करें, सपा पार्टी अखिलेश यादव की बात करें, तो सभी ने समर्थन दिया, सभी एकजुट। हालांकि 27 मार्च को जो आज 27 मार्च को दिल्ली में बहुत बड़ा विपक्ष की तरफ से बड़ा विरोध प्रदर्शन होना था लेकिन फिलहाल उस पर विराम लगा दिया है। हो सकता है आगे कोई रणनीति बनाई जाएगी लेकिन अब ये रणनीति बहुत मजबूत बन जाएगी और रणनीति के तहत कांग्रेस अब चुप शायद बैठने वाली है, केंद्र सरकार को लगातार घेरने के प्रयास कर रही है। ठीक है रहमतुल्ला। देखिए आपने बताया कि एक बड़ी तस्वीर दिल्ली में पेश हो रही थी लेकिन राहुल गांधी के मसले पर अब कांग्रेस जो है वो ज्यादा हमलावर दिख रही है। इस मुद्दे को लेकर जगह जगह ये तस्वीरें सामने रखी जा रही है। ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष ने राहुल गांधी के मसले पर सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को, क्या सत्याग्रह को लेकर भी सपोर्ट मिल रहा है? देखिए सत्याग्रह में हालांकि विपक्ष की पार्टियां साथ नहीं है, राहुल गांधी का समर्थन थी लेकिन अभी फिलहाल इनकी जो आगे मीटिंग है वो बैठक है, जो आगे की रणनीति तय नहीं हो पाई है, आगे आने वाले वक्त में क्या होगा तो वो तस्वीर तब सामने आएगी। लेकिन ये सत्याग्रह आज 10 से 5 बजे तक जो चलने वाला है कांग्रेस की तरफ से, आगे आने वाले समय में आ रही थी कि सीएम अशोक गहलोत लगातार दिल्ली दौरे पर है, कल रात को वापस आए थे, बड़ी यहाँ बैठक आयोजित की गई थी क्योंकि राजस्थान में भी एक जो डॉक्टर्स की हड़ताल है उनको लेकर के आज पुनः दिल्ली गए हैं। तो लगातार दिल्ली पर नजर सबकी टिकी हुई है। अशोक गहलोत खुद जब भी गांधी परिवार पर कुछ कठिनाई आती है तो अशोक गहलोत सबसे आगे खड़े रहते हैं, तो उनमें जो भी सबसे आगे खड़े, तो ऐसे में सीएम अशोक गहलोत जो है आज दिल्ली है, दिल्ली में उस सत्याग्रह में शामिल होंगे, उसके बाद में क्या कुछ रणनीति बनेगी वो बाद में तस्वीर आएगी सामने। ठीक है, क्या यहाँ पर मूवमेंट भी किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, कोई मार्च भी निकाला जाएगा, कोई ऐसा कुछ भी, कोई भी कार्यक्रम है क्या रहमतुल्ला? देखिए आज जो कार्यक्रम है वो सत्याग्रह शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से किसी भी प्रकार का मार्च नहीं है, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, सब जगह ताक चौकबंदी व्यवस्था की हुई है। जिस प्रकार से ये जो सत्याग्रह किया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद है, और एक दूसरी तरफ से जो डॉक्टर्स की हड़ताल है वहां पर पुलिस मुस्तैद है, यानी पुलिस की नजरें सब जगह टिकी हुई है। तो ऐसे में कहीं ना ये हालांकि विरोध जो किया जा रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से है लेकिन पुलिस अपना जो है वो फर्ज निभा रही है अपना कि कहीं ना कहीं कैसे ऐसे कोई अनहोनी नहीं हो जिससे कोई जनहित पर परेशानी का सामना करना पड़े, यातायात व्यवस्था बाधित हो, ऐसे में सब जगह व्यवस्था है वो चाक चौबंद की हुई है। ठीक है रहमतुल्ला, देखिए आपने बताया कि कांग्रेस का क्या पूरा प्लान है इस सत्याग्रह को लेकर, लेकिन इसके साथ प्रशासन का क्या प्लान है?
देखिए प्रशासन ने जिस प्रकार से अभी बताया कि प्रशासन अपना जो ड्यूटी है वो कर रही है, प्रशासन पुलिस प्रशासन चाहे अन्य अधिकारी है वो पूरी तरह मुस्तैद है। हालांकि जाब्ता पूरा लगा हुआ है, जिस प्रकार ये कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरना आयोजित किया जा रहा है, तो ऐसे में आस पास की जो पुलिस है, पुलिस थाने हैं वो यहाँ पर मौजूद है, पुलिस थाने के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और वहीं दूसरी तरफ से जो शहर में चिटफुट जो प्रदर्शन धरना प्रदर्शन होता है तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहती है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी आम जन को परेशानी हो ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पुलिस ने अपना जो जाब्ता है वो लगा रखा है, सारी व्यवस्था है वो माकूल की हुई है। और वहीं दूसरी तरफ से तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद, शाम तक जिस प्रकार से ये प्रदर्शन चलेगा तो ऐसे में सारा हालांकि अभी कुछ कार्यकर्ता है वो लगातार पहुंच रहे हैं, तमाम सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, तमाम मंत्रीगण है, तमाम कांग्रेस के विधायक है वो यहाँ पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, छोटे कार्यकर्ता है, वार्ड लेवल पर वार्ड स्तर के जो कार्यकर्ता वो भी पहुंच चुके हैं। तो इस आवाज को कांग्रेस अपनी आवाज को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी ने भी जिस प्रकार से कल जो है कांग्रेस भाजपा के नेताओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ये बताया गया था कि कांग्रेस ने ओबीसी को लेकर के उन्होंने बात कही है राहुल गांधी ने, यानी कि उन्होंने ओबीसी का मुद्दा बनाया है, ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस ने ये कहा है कि ओबीसी का मुद्दा राहुल जो कांग्रेस ने बनाया ये भाजपा ने बनाया है, ऐसे में क्योंकि उन्होंने किसी भी प्रकार को ओबीसी को नहीं कहा गया, उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर के कहा गया है, उन्होंने ललित मोदी को लेकर के कहा गया है। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप पार्टियों के हो रहते ही है, लेकिन फिलहाल जो सत्याग्रह आज शाम को 5 बजे चलेगा, आगामी परसों से संभाग स्तर पर जिला स्तर पर और भी आगे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, संभाग स्तर जिला स्तर को लेकर भी आपने बताया कि तैयारियां चल रही है और एक दो दिन में वो भी तस्वीरें यहां से स्पष्ट होनी क्लियर होनी शुरू हो जाएगी रहमतुल्ला। लेकिन अभी यहां पर भीड़ कितनी संख्या में पहुंच सकती है, क्या यहां पर लोगों के पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है, कितनी संख्या में लोग यहां पर पहुंच सकते हैं? देखिए यहां पर आज शाम तक होते होते हजारों की तादाद में लोग हो जाएंगे, लेकिन आज सुबह 10 बजे से 5 बजे का है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे सामने आएंगी, किस प्रकार से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। अभी फिलहाल तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद है, सत्याग्रह किया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, साथ में एक जो है तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन शाह सीताराम, ये जो जो भीड़ है इसके साथ म्यूजिक चल रहा है, उसके साथ साथ तमाम जो लोग है वो बैठे हैं, तमाम को कांग्रेस के दो नेता है जैसे पर जसवंत गुर्जर की बात करें, दो नेता है उन्होंने चरखा गांधी जी का चरखा लेकर के सूत कातना जो कर रहे हैं, सूत कात रहे हैं, तो ये एक संदेश दे रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी विचारधारा के रूप में हम सत्याग्रह कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं हो रहा, विरोध कर रहे हैं केंद्र सरकार का, लेकिन गांधीवादी विचारधारा से गांधीवादी पथ पर चलते हुए जो है ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है रहमतुल्ला, देखिए अशोक गहलोत तो दिल्ली में मौजूद है, वो वहां पर सत्याग्रह में आज शिरकत कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ क्या प्रदेश में वहां पर भी अशोक गहलोत भी सत्याग्रह का हिस्सा कभी बनेंगे, या फिर यहाँ पर जो बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर इस आंदोलन की, उसको लेकर कोई यहाँ पर सीएम का भी कोई यहाँ पर रहेगा? सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे हैं, तो दिल्ली के राजघाट में जो सत्याग्रह कार्यक्रम हो रहा है उसमें शामिल होंगे सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, परवार सुखजिंदर सेंदाओ, वो वहां पर मौजूद होंगे। तो ऐसे में सीएम अशोक गहलोत बड़े लीडर्स में आज अशोक गहलोत का नाम राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में शुमार है, तो ऐसे में सीधी सी बात है वो दिल्ली गए हैं, तो दिल्ली के कार्यक्रम में वो मौजूद रहेंगे, वहाँ के नेताओं के साथ मौजूद रहेंगे, वहाँ पर सत्याग्रह किया जा रहा है शांतिपुर राजघाट राजघाट पर किया जा रहा है। तो ऐसे में बड़ी ये तस्वीर ये एक या दो दिन में तस्वीर निकल कर सामने आएगी, कांग्रेस किस प्रकार से आगे आने वाले दिनों में जो है विरोध प्रदर्शन करेगी या कुछ आगे कार्यक्रम आयोजित करेगी। ठीक है रहमतुल्ला, नजर बनाकर रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस के देखिए सत्याग्रह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से लाइव तस्वीरें आपके सामने, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा यहां पर देखिए मौजूद है इस सत्याग्रह के कार्यक्रम में, कांग्रेस का सत्याग्रह यहां पर राहुल गांधी के समर्थन में जारी है।